वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे चैनल पर पॉलिटिकल साइंस चल रहा था और उसमें कुछ टॉपिक देख लिए थे, तो चलिए चलते हैं कुछ और टॉपिक को देखते हैं। तो क्या है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन सा, अभी और सारा पॉइंट है, फिलहाल मैंने 8 ही लिखा है। तो पहला क्या है, संघ के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्री की, राज्यों के राज्यपाल की, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, भारत के महान्यायवादी की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की। और भी देखते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे और कौन है। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष एवं सदस्य, ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग आदि, ये सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। अब प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति पे कौन, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कौन पद धारण करता है, दो चार पॉइंट उसमें भी है, उसे भी देखते हैं। तो अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी कौन कौन हैं। तो संघ के मंत्री यूनियन मिनिस्टर्स, राज्यों के राज्यपाल गवर्नर्स, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये तीनों पद धारण करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद अब अगले वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।